गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम संस्कृत का एकादश पाठ है अर्थात पाठ 11 पढ़ते हैं, सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले का सबने नाम सुना हुआ है क्योंकि ये हमारे शिक्षा जगत की ऐसी महिला है जिन्हें हम शिरोमणि भी कह सकते हैं। मतलब इस महिला ने, सावित्री बाई फूले जो है, इन महिला ने हम अपने हर क्षेत्र में जो है योगदान दिया है। तो देखो, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। पता ही है आपको कि पहले समय में क्या होता था, जो है इतना लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, घर से बाहर नहीं निकाला जाता था। परंतु यहाँ पर सावित्री बाई फूले का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसके बारे में आपको बताया है। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय से लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता है, उसके लिए बाधाएं आती रहती है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फूले के योगदान पर केंद्रित है कि सावित्री बाई फूले ने क्या कहा किया। तो देखिए, यहाँ पे ऊपरी निर्मित चित्रम पश्यत है। ऊपरी निर्मित, जो ऊपर निर्मित चित्र है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। पश्यत माने देखना, देखने के अर्थ में आती है। तो ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत है, ऊपर आपको जो है चित्र दिखाई दे रहा है। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालाया वर्तते। इदम चित्रम, यह जो चित्र है, कस्याचित् किसी पाठशाला का है। इयम् सामान्या पाठशाला न अस्ति। इयम् सामान्या, यह जो पाठशाला है वो सामान्य नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका ग्राहात पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका ग्राहात घर से, पंचमी विभक्ति एक वचन है ग्राहात में। एक शिक्षिका या अध्यापिका जो है वो घर से पुस्तकानि आदाय चलती, पुस्तकान पुस्तक जो है वो लेकर चलती है। मार्गे कश्चितयशः ऊपरी धूलिं कश्चित् च प्रस्तर खण्डान्, मार्ग में कुछ उसके ऊपर जो है वो धूलि, धूलि माने मिट्टी आदि, और कश्चित् च कुछ प्रस्तर खण्डान, प्रस्तर माने पत्थर, पत्थर के जो टुकड़े हैं वह छिपती फेंकते हैं। परम सास वह दृढ़ निश्चयात न विचलती, परंतु वह जो है अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी प्रतिज्ञा से जो है वो विचलित नहीं होती है, डगमगाती नहीं है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, और वह अपने कन्या विद्यालय में, छात्र बच्चियों के विद्यालय में जो है हंसी मजाक, विनोद माने हंसी मजाक जो है आलपंती करती है। सा अध्ययने संलग्ना भवति, वह अध्ययन में भी लगी रहती है। संलग्ना माने लगे रहना, वह अध्ययन में भी लगी रहती है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सह एव प्रचलति, वह अपने स्वकीयम् मतलब खुद भी जो है वह अपना अध्ययन करती है। केयम् महिला अपि यूयम् इमा महिला जानित, कुछ महिलाएं जो हैं, अपि यूयम् या महिला जानित, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया क्या तुम सब भी इस महिला को जानते हो। तो इयम् एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले नाम दया, यह जो महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है सावित्री बाई फूले नाम दया इनका नाम है। जनवरी मासस्य त्रस्य दिवसे, की जनवरी महीने की, इनका जन्म कब हुआ उसके बारे में बताया कि 3 जनवरी सन 1831, तृतीय दिवसे 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामी स्थान सावित्री अजायत, नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जो है वो जन्म हुआ। तो तस्याः माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता, तस्याः माने उनकी, उनकी माता का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई। पिता च खंडोजी इति अभिहितो, और पिता का नाम क्या था, खंडोजी, है ना, तो खंडोजी जो इनके पिता कहे गए। नव वर्ष देशिया मतलब 9 वर्ष की उम्र में सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता, परिणीता माने विवाह। तो 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फूले की महोदय के साथ इनका जो है विवाह हो गया। सो अपि तदानीं 13 वर्ष कल्पे एव आसीत। सो अपि, वह भी कौन,
ज्योतिबा फूले कि वह भी उस समय कितने त्रयोदश 13 वर्ष के ही थे। यत एहिम स्त्री शिक्षाया प्रबल अध्ययन अभिलाषा उत्साह, तो यत एहिम स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसी कि वह जो है स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अर्थात वह भी स्त्री शिक्षा को जो है वो जो प्रबल जोर देते थे। अतः सावित्रिया मन से स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती, इसलिए सावित्री के मन में स्थित जो अध्ययन की अभिलाषा है, पढ़ने लिखने का जो उसका मन था वो उत्साह को प्राप्त हो गया। इतम परम साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, इतः परम साग्रहम और उनके आग्रह पर अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। उसके बाद में देखो क्या हुआ कि सन 1848 में पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्याना कृते प्रदेश प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। क्या किया कि 1848 ईस्वी में पुणे नगर में, अर्थात पूना नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानां कृते प्रदेशस्य कन्या प्रदेश की प्रथम विद्यालय जो है कन्या विद्यालय आरंभ किया, अर्थात छात्राओं के लिए लड़कियों के लिए विद्यालय का प्रारंभ किया। तदानी सा केवल 17 वर्षीय आसीत, तब वह केवल कितने वर्ष की थी, 17 वर्ष की थी। तो सिर्फ वह 17 वर्ष की थी जब उन्होंने इसको आरंभ किया। उसके बाद में 1851 में अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतया समुदाय बालिकानां कृते पृथक्तया तथा तया अपरः विद्यालय प्रारंभ। उसके बाद में जो है 1851 में छुआछूत के कारण अस्पृश्यता, अर्थात छुआछूत मतलब भेदभाव करना, ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है, ऐसी अस्पृश्यता के कारण जो तिरस्कृत जिन्हें मतलब तिरस्कार किया जाता था, ऐसे समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उसके द्वारा जो है वो विद्यालय प्रारंभ किया गया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखर विरोधम अकरोत, सामाजिक कुरीति जो समाज में कुरीतियां हैं, समाज में जो बुरी बातें हैं, उनका उन्होंने पुरजोर रूप से या मुखर विरोध किया। फिर उसके बाद में देखो क्या हुआ कि विद्वाना शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलिता। पहले क्या होता था, जो विधवा औरतें होती थी उनका शिरोमुंडन मतलब उनके बाल काट दिए जाते थे, तो उसके निराकरण के लिए भी उसने प्रत्यक्ष रूप से सामने जाकर के जो है नाइयों से वह मिली। नापिते ही माने नाई जो बाल काटते हैं, नाइयों से मिली। फलतः केचन, फलस्वरूप क्या हुआ, केचन नापिता कुछ जो नाई थे उन्होंने इस रूढ़ी, इस ये जो रूढ़ी थी, ये जो परंपरा थी, अरूढ़ था, उसकी सहभागिता को उन्होंने त्याग दिया, मतलब साथ उनका साथ देना जो है उन्होंने छोड़ दिया, इस रूढ़ी का साथ देना छोड़ दिया। एकदा सावित्रिया मार्गे दृष्टम यत कूपम निक्षा सीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया कश्चित नार्य जलम पातुं याचन्ते स्म। एक दिन सावित्री जो है वो मार्ग में, उसने मार्गे दृष्टम मार्ग में उसने देखा कि कूपम निक्षा कुएं के पास में शीर्ण वस्त्रावस्था मतलब फटे हुए वस्त्रों से जो आवृत ढकी हुई थी, तथा कथिता निम्न जातिया उसने देखा कि कुछ नारी जो है वो जल पातुम याचन्ते स्म, जल पीने के लिए जो है मांग रही है, याच धातु मांगने के अर्थ में। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते, जो उच्च वर्गीय थे वो उसका उपहास करने लगे, हंसी उड़ाने लगे। उपात जलो उद्वरणम एवार्यन, और उसने क्या किया, कुएं से जो है वो उसने साथ छोड़ दिया। एक बार देखा कि निकट फटे पुराने वस्त्र पहने हुए तथा कथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी, और जो ऊंचे वर्ग के लोग थे वो उनका उपहास कर रहे थे, उनका उनकी हंसी उड़ा रहे थे, कुएं से जल निकालने के लिए मना कर रहे थे। सावित्री जो थी वो इस अपमान को जो है वो सहन नहीं कर पाई। तो देखो सामाजिक कुरीतिना सावित्री मुखरम विरोधम अकुरत, सावित्री ने इसका मुखर विरोध किया। उसके बाद में देखो कि जो है वो इस बात को सहन नहीं कर पाई, और उसने क्या किया, कुपात जल उद्वरणम एवार्यणम, उसने कि कहा कि इससे जल ग्रहण कर लीजिए।
सावित्री इस तत अपमान छोड़ू ना शक्नोत, इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और उसने उस स्त्री को कहा कि निज क्षेत्र मित्रवती, यह तुम्हारा अपना क्षेत्र है, ये किसी का निज क्षेत्र नहीं है, मतलब किसी का अधिकार नहीं है। इस पर अत्र तड़ाक दर्शित्वा है, वहां तालाब को देख करके अकथियत उसने कहा कि यथ यथेष्टम जलम नय, जितना तुम्हारी इच्छा है, जितना तुम्हें जल चाहिए तुम लेकर जाओ। सार्वजनिक वो एम तड़ाक है, यह जो तालाब है ये सार्वजनिक है, सबके लिए है, किसी का निज क्षेत्र नहीं है। अस्मातम जल ग्रहणे ना अस्ति जाति बंधनम, यहाँ पर जल ग्रहण करने के लिए जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रया पक्ष सर्वदा सर्वदा समर्थित है, तो ऐसा मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष वो हमेशा और सबके लिए समर्थित थी, मतलब सबके लिए हमेशा करती थी। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिना संस्थान स्थापनाया, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना जो है फूले दंपतियों अवदान महत्वपूर्ण। फूले दंपति अर्थात सावित्री बाई एंड ज्योतिबा महाफुले जो है इनका अवदान महत्वपूर्ण रूप रहा है। सत्य शोधक मंडल गति विदेशु अपनी सावित्री अतीव सक्रिय आसी, सत्य शोधक मंडल में गतिविधियों में भी सावित्री का जो है बहुत योगदान रहा है। अश्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारण प्रति जागरणमिति, यह जो मंडल था इसका उद्देश्य था, कौन सा मंडल था, सत्य शोधक मंडल। इस मंडल का यह उद्देश्य था कि जो उत्पीड़ित जो महिलाएं उत्पीड़ित होती हैं, जिन महिलाओं को परेशान किया जाता है, उसके समुदाय के लिए अपने अधिकारों के लिए उन्हें जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशल संचालित वती, सावित्री अनेक संस्थाओं को और प्रशासन कौशल को संचालित करती थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले जैसा पीड़ित जनानाम अशांतम अविरतम च सेवा मैं करो, बुरे दुर्भिक्ष काले जब बुरा समय आया, दुर्भिक्ष माने बुरा, काले माने समय, कि जब बुरा समय आया, प्लेग का समय आया, जो दुर्भिक्ष काल था, बुरा समय था, उस समय उन्होंने पीड़ित जनों का, जो पीड़ित लोग होते हैं उनका क्या किया, अशांतम अविरतम जय सेवा मैं करो, तो उनका बिना थके हुए, शांत माने थका, बिना थके हुए और अविरत बिना रुके हुए उन्होंने सेवा की। सहायता सामग्री थाए सर्वथा प्रयास में करो, तो सहायता सामग्री की व्यवस्था करके भी हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारत सा स्वयं असाध्या रोगन ग्रस्ता, और इस महारोग प्रसार काल में वह हमेशा सेवारत रही थी, परंतु वह स्वयं जो है असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई थी और उनकी मृत्यु जो है हो गई थी। तो उनकी मृत्यु दिवगंता, दिवगंता माने मृत्यु, तो उन्होंने बहुत कुछ किया परंतु उस समय जो है उनका जो है मृत्यु उनके असाध्य रोग से पीड़ित होकर के 1897 अर्थात 1897 में उनकी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना या अपि साहित्य रचना में भी सावित्री महियते अर्थात साहित्य रचना में भी सावित्री जो है बढ़ चढ़ कर के थी। महियते माने बढ़ चढ़कर, बढ़ चढ़कर उसके दो काव्य संकलन है, काव्य संकलन द्वयम वर्तते, दो काव्य संकलन है, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च इति, काव्य फूल ओ काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलो उत्थानस्य गहना अवबोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येत्वम्, अब क्या कहा, भारत देश में महिला उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित का भी अवश्य अध्ययन करना चाहिए। गहना अवबोधनाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्य मध्यत्वम, उनका जो है सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, महिला शिक्षा कन्या शिक्षा के क्षेत्र में सावित्री बाई फूले का अहम योगदान था और उनके पति ज्योतिबा फूले ने उनकी जो है खूब सहायता की, उनका हमेशा कंधे से कंधे मिला करके अपनी पत्नी का उन्होंने हेल्प की और महिला शिक्षा को हमेशा उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो यह हमारे जीवन में एक सीखने वाली बात है और इनके बारे में हमें और भी अध्ययन करना चाहिए ताकि हम और ज्यादा इसके बारे में समझ सकेंगे। तो मेरे आपको सावित्री बाई फूले चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।